सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दो बहनों ने ठानी, अब हरियाणा संस्कृति को लेकर जाएंगी नई बुलंदियों तक। खोला अपना प्रोडक्शन हाउस। सोनीपत की कुंडली के रहने वाली दो बहनें मनीषा गोड और निशा गोड ने हरियाणवी संस्कृति को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए अब आरडी प्रोडक्शन नाम से एक प्रोडक्शन हाउस खोला है और इस प्रोडक्शन हाउस का नाम उन्होंने अपने पिता के नाम पर रखा है, क्योंकि इन दोनों बहनों की सफलता में इनके पिता का बड़ा हाथ है। दोनों बहनों ने बताया कि हमने हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अगले महीने ऑडिशन लिए जाएंगे। दोनों बहनों ने बताया कि हम अपने प्रोडक्शन हाउस में हरियाणवी और सभी प्रकार के मूवी एल्बम बनाएंगे। हम उनमें उन छुपे हुए टैलेंट की खोज करेंगे जो कि पैसों के चलते आगे नहीं बढ़ पाते। सोनीपत 24 के लिए पवन राठी की रिपोर्ट। आरडी प्रोडक्शन की शुरुआत एक्चुअली बहुत दिन से, मतलब म्यूजिक एल्बम्स हम लोग रिलीज करने का सोचे थे, हिंदी भी और हरियाणवी भी, दोनों के लिए सोच रहे थे। लेकिन और बेसिकली तैयारी भी कर ली थी, लेकिन बाद में हमने सोचा कि जैसे आजकल यूथ है, आजकल टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन लोगों को सोर्स नहीं मिलता आगे आने के लिए। फिर हमने सोचा जो मॉडल्स लेंगे, जो एक्ट्रेस लेंगे, उनके लिए हम ऑडिशंस करें, पब्लिक में ऑडिशंस करें, उसके बाद जो है अपनी जो एल्बम है और जो शॉर्ट मूवीज़ हम लोग बनाएंगे उसके बाद उनको मौका दें लोगों को। जैसे आजकल बच्चे इतना टैलेंट भरा पड़ा है, टिकटॉक चलाते हैं, खोल के देखेंगे तो दुनिया भर का टैलेंट है लेकिन उनको सामने आने का मौका नहीं मिलता। जिसे मिलता है उनको पैसा खर्च करना पड़ता है बहुत। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक थीम सोची है कि हम लोग ऑडिशंस करेंगे पब्लिक में, उसके बाद जो विनर्स होंगे, जो टैलेंटेड होंगे, उनको हम लोग अपने इसमें पार्ट देंगे। किस तरह के टैलेंट को आप मौका देना चाह रहे हो? जो एक्टिंग में अच्छे होंगे, जिनके अंदर मतलब एक जुनून होगा कुछ करने का, आगे आने का जुनून। हरियाणा कल्चर को बढ़ावा दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। हरियाणा में आजकल जो हरियाणवी मूवीज़ हैं वो इतना ज़्यादा आगे नहीं जा पा रही हैं जितना होना चाहिए। टैलेंट बहुत है लेकिन एक तो ये कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर, मतलब लैंग्वेज की वजह से भी आगे नहीं आ पाते, तो हम उनको भी मौका देंगे आगे आने के लिए। मैम, देखा जाता है कि पंजाबी जो इंडस्ट्री है वो लगातार आज भी ऊपर आगे बढ़ रही है हरियाणा से, लेकिन उसमें फोहड़ता नहीं है हरियाणा। यही तो यही चीज़ें तो बदलनी है, इसी चीज़ को बदलना है। मतलब मैंने एक चीज़ देखी थी, हम लोग CP गए हुए थे, वहाँ सब तरह के सॉन्ग्स चल रहे थे पर हमने कहा हरियाणवी चलाओ, उन्होंने कहा हरियाणवी नहीं चलेगा। और यही चीज़ हमें बदलनी है कि इस तरह का जो मतलब जगह है वहाँ पे अगर हरियाणवी चलेगा तो उनको लगता है स्टैंडर्ड डाउन हो गया। वो चीज़ ऊपर लाने के लिए जो है हमें अपने कल्चर को ठीक करना पड़ेगा। जो मतलब हैं ऐसे म्यूज़िक भी हैं अच्छे भी आ रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जिसकी वजह से लगता है कि हाँ थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किस तरह से इम्प्रूव आप करने की सोच रहे हो? हम ये सोचते हैं कि जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट मूवीज़ बनाएँ, ताकि मतलब एक दूसरा चेहरा भी सामने आए जो हमारे समाज का है। वैसे तो हम प्रेफरेंस हरियाणवी को देंगे लेकिन ऑल ओवर इंडिया में हम इसके ऑडिशंस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसे ऐसे टैलेंट छुपे हुए हैं जो बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस तो वो आगे नहीं आते हैं। तो हम सोचते हैं कि ऑडिशंस के थ्रू हम पहले टैलेंट को चुनेंगे कि जो बेस्ट टैलेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको म्यूज़िक एल्बम में, जो हु वांट्स टू बिकम एक्टर, हु वांट्स टू बिकम मॉडल, तो हम उनको एक परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो इनके ऑडिशंस होंगे तो सबको हम यही बोलना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो एक्टिंग में मॉडलिंग में से जाना चाहता है वो अपना। मैम, ये देखा जाता है कि हरियाणवी जो संगीत है फोहड़ता वाला रहा है लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री है लगातार ग्रोथ कर रही है, हरियाणवी इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए क्या आरडी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं? हरियाणवी इंडस्ट्री को करने के लिए हम यही है कि जो बेस्ट होंगे एक्टिंग में और स्पेशली जितने भी हरियाणवी एक्टर है, मतलब देखा गया है वो प्रॉपरली हरियाणवी नहीं बोल पाते हैं, मैंने वॉच किया है, तो बेसिकली जो बिल्कुल प्रॉपर हरियाणवी होंगे उनको हरियाणवी मूवीज़ में, ऐसा नहीं है हम हिंदी शॉर्ट मूवीज़ भी करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग उनको पार्टिसिपेट। वुमेंस डे मैम, कल आप महिलाओं ने शुरुआत की है आरडी प्रोडक्शंस की, क्या कहना चाहोगे अन्य महिलाओं को?
अन्य महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियाँ भी क्या औरतें भी हैं जो शादी के बाद भी सोचती हैं कि हम एक्टिंग करना चाहती हैं। टिकटॉक पे मैं रोज़ाना देखती हूँ कि काफ़ी एजेड जो महिलाएं वो भी टिकटॉक पे काफ़ी माहिर हैं एक्टिंग में, तो उनको भी हम प्लेटफॉर्म देंगे कि मूवीज़ में हर तरह का पार्टिसिपेशन होता है, हर तरह का पार्ट होता है, बच्चों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, तो सबका मोस्ट वेलकम है हमारे RD प्रोडक्शन में। थैंक यू।